तो ये मेरी भाभी ने मुझे क्लिप भेजा ये बारिश का पानी नहीं है जनाब बारिश दिखाने का मकसद ये कि ये चलो तो और गोश्त भी नहीं इतना खाया जा रहा इस या उस दरिया में से गुजर के जाओ बाहर निकलने से अवॉइड किया जाए तो बेहतर है बिसमान अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला तब को अपने रखे आमीन सुम्मा आमीन तो जनाब ये जो सीन आप देख रहे हैं ईद के दूसरे दिन जो बारिश हुई थी तो ये मेरी भाभी ने मुझे क्लिप भेजा था तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ आप भी देखें कि ऐसा लग रहा है कि कोई दरिया बह रहा है बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई थी ईद के दूसरे दिन तो बस यहाँ पर जो है यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी और फिर हमारे सारे प्रोग्राम जो है वो डिसमस हो गए जाहिर सबके ही हो गए क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में तो कहीं बाहर निकला नहीं जा सकता असलमेक तो ग्यारह बजे का टाइम है मैं अपने फ्लैट के पास से ये मूवी बना रहा हूँ ये बारिश का पानी नहीं है जनाब बारिश का पानी कल ही ख़त्म हो गया था और बारिश गुजरे हुए भी काफ़ी घंटे हो गए हैं और इस वक्त तेज़ धूप निकली हुई है और ये पानी जो है ये ठड्डो डैम का है कि जो कल रात से हमारे इलाके में दाखिल हुआ है ये सामने जो नज़र आ रहा है ये कराची यूनिवर्सिटी का बैक साइड है जहाँ से ये पानी आ रहा है और ये यहाँ से होता हुआ इस रास्ते से बाहर जा रहा है और एक नदी में गिर रहा है नाले में गिर रहा है नाला वो सामने बंद कर दिया गया था वहाँ पे वाइट हाउसेस बना दिए गए थे तो अब वह अपना रास्ता तलाश करता हुआ ऐसे घूमता हुआ यहाँ से चला जाता है तो ये यह यहाँ की इस वक्त सूरत हाल है और ये तकरीबन अभी आ रहा है पानी चल रहा है और ये दो तीन दिन तक तो रहता ही है अगर वहाँ बार, कल बारिश नहीं हुई तो ये ख़त्म हो जाएगा वरना नहीं इसी तरह चलता रहेगा ओके अल्लाह हाफिज़ अच्छा जी और जो ये दूसरा क्लिप आपको मैंने दिखाया है पानी खड़ा हुआ है बहुत सारा तो ये है हमारा इलाका गुजारिजी और यहाँ ये ईद के तीसरे दिन का है तो यहाँ मैं इस दिखाने का मकसद ये है कि ये इतना पानी यहाँ खड़ा हो जाता है जबकि तीसरे दिन बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी पानी खड़ा था अच्छा जना फिर हम आ जाते हैं अपने किचन में और किचन की तरफ आके हम जो है आज पे मैंने सोचा कहीं आना जाना नहीं है चलो और गोश्त भी नहीं इतना खाया जा रहा तो क्यों ना आज हम शाम की चाय के साथ कुछ बना लेते हैं थोड़ी सी अपने यानी दावत कर लेते हैं खुद ही चाय के साथ तो बस यहाँ पर फिर मैंने थोड़े बेसन घोल लिया था उसमें थोड़ा सा सब, सब्जियाँ डाल के पकौड़े बना रही हूँ चाय के साथ और मिठाई भी रखी थी घर में और फिर बिस्किट और केक वगैरह ये चीज़ें भी निकाल ली थी क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में कुछ नहीं खाया था सुबह नाश्ता हमने देर से किया था ग्यारह साढ़े बजे का टाइम किया था फिर वो काफ़ी हैवी कर लिया था तो इसलिए कुछ खाने को दोपहर में किसी ने भी लंच नहीं किया हम तो में से किसी ने भी तो फिर शाम की चाय के साथ मन का खाने का भी टाइम नहीं है तो चाय के साथ कुछ रख लेते हैं फिर उसके बाद जो है रात को फिर डिनर करेंगे तो बस यहाँ पर जो है पकौड़े बन रहे हैं चाय बन रही है और बाक़ी जो था आज तीसरे दिन जो थे मेरी बहन के घर में राहिला के घर में थी दावत लेकिन वो भी जाहिर है कैंसिल करनी पड़ी क्यों आपको मैंने दिखाया अभी पिछले क्लिप आपने देखा होगा कि बहुत पानी हमारे इलाके में और मैं और राहिला एक ही इलाके में रहते हम दोनों बहनें तो काफ़ी भर रहा था तो इसलिए वहाँ पर जाना जाहिर है उस पानी में से या तो उस दरिया में से गुज़र के जाओ तो अच्छा नहीं लगता और इतना पानी भरा हुआ मैं से बंदे को थोड़ा सा वो भी होता है कि पता नहीं भाई कहीं पैर स्लिप ना हो जाए कोई गिर वेर ना जाए तो इसलिए ऐसे मौसम में बाहर निकलने से अवॉइड किया जाए तो बेहतर है तो बस यहाँ पर जो है हम अपनी हाइटी ही इंजॉय कर रहे हैं और फिर हम आ, कुछ ये यानी ये मौसम भी ऐसा होता है ना बरसात का आप भी शायद मेरे साथ एग्री करेंगे कि कुछ खाने को तो दिल रहा होता है लेकिन कुछ करने को दिल नहीं रहा होता है कुछ पकाने को या कुछ ऐसे किचन में जाने को बहुत ज्यादा देर तक तो खाने पीने की भी चीज ऐसी जाके ले आए थे पिज्जा तो फिर हमने कहा चलो उन्होंने कहा कुछ नहीं बनाओ अभी भी जबकि मैं सालन तो पक्का रखा था सिर्फ रोटी बनानी थी मुझको लेकिन वो मैंने उनको बल्कि रोटी के लिए ही भेजा था नीचे मैंने कहा रोटी ले आए आप तो बस सालन में गर्म कर लेती हूँ तो वो रोटी के बजाय पिज्ज़ा लेकर आ गए तो बस फिर हम लोगों ने इसको एंजॉय किया और यहाँ पर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसे लगी बहुत मुख्तर सी है ये ईद का हमारा तीसरा दिन था जो हमने इस तरह से गुजारा और इस तरह से ईद जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है तो बस आइंदा मिलेंगे अगले किसी वीडियो में